इसमें गरम है अभी भी, अभी भी गरम है। ये हांडी नहीं है बाहर से गरम, ये देखो। हाँ बहुत मजे का बना है, आप भी टेस्ट करके देखो। गरम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और ज़बरदस्त जा रहा है सब कुछ, बस ये है कि गर्मी बहुत हो गई है, तो गर्मी अब पता नहीं क्यों नहीं जा रही है, तो नहीं पता मुझे। और कोरोना भी फैल रहा है। हाँ, और सारा कुछ गड़बड़ हो गया फिर से, पता नहीं क्या बनता है। अल्लाह खैर रखे, हर एक को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, यही मेरी दुआ है। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी की जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें। सबसे बड़ी बात यही है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें। और उसके साथ ही आज की रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं हमें शाही कोरमा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 किलो चिकन लिया है, उसको धो के साफ़ करके रख लिया है। मिक्स चिकन है, 4 अदर टमाटर है उनको चॉप कर लिए, 1/2 प्याली दही है, गाढ़ी दही लेनी है आपने, 2 बड़े चम्मच खुश्क धनिया है, 1.5 चम्मच जीरा है, दोनों को मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज है फ्राई करके रख लिए है, 2 अदद प्याज थे जिनको मैंने इस तरह फ्राई किया है। अदरक लहसुन पेस्ट है 1 प्याली, तेज़पात है 2 लिए थे उनको तोड़ लिया है मैंने, नमक हसबे ज़रूरत, सब्ज़ इलायची 5 अदद, 1 अदद बड़ी इलायची, दारचीनी 1 अदद उसको तोड़ लिया है, 6 लौंग है और 7 काली मिर्ची हैं, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च है और 1 चम्मच हल्दी है। बस इतनी सी चीज़ों से ज़बरदस्त सा कोरमा तैयार हो जाएगा, तो शुरू करते हैं जी। तो ये जो दोनों चीज़ें मैंने फ्राई की थी, इसको ग्राइंड कर लेंगे। फ्राई किए हुए खुश्क धनिया और जीरा मैंने पीस लिया है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आपने जब भी कोरमे में डालनी है ये दोनों चीज़ें, तो इनको पहले हल्का हल्का फ्राई कर लेना है, तो इससे बहुत मज़े की और प्यारी खुशबू आएगी। तो आप शुरू करते हैं कोरमा बनाना। 1 चम्मच ऑयल डालूंगी, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर मैं ये सारे साबित मसाले डाल देती हूँ, तेज़पात भी डाल देने, साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर चिकन डालने लगी हूँ, बस मैंने 1 मिनट इस मसाले को फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं किया। आप कलर देख लें इसका, अभी मज़ीद ये फ्राई होना है तो ये चिकन के साथ ही फ्राई हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपने इसको हांडी में बनाना है, ये ना हो कि आपके रेसिपी हमने हांडी में ही बनानी है, तो आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। हाँ, अगर मज़ा ज़्यादा लेना है तो फिर हांडी में। हाँ जी, एक कह रहे थे भाई साहब कि आप ही आप फिक्र ना करें तो समर भाई जी आपके साथ साथ अच्छे से शेफ बन जाएंगे। इसको यहाँ पे इस चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। और मैं कह रही थी कि भाई, वो भाई साहब कह रहे थे कि तसवर अच्छे शेफ़ बन जाएंगे, तो तसवर पहले से शेफ़ हैं, क्योंकि जब ये पहले अक्सर खाना बनाते थे तो उसके बाद किचन की दीवारें, चूल्हा और बर्तनों का ढेर बहुत ही होता था, और दीवारें तो बहुत ही गंदी होती थी, यूं यूं उछाल उछाल के कुकिंग करनी होती थी, लेकिन अच्छी टेस्टी होती थी। हाँ ये है, मज़े की होती थी, फिर इनको पसंद नहीं आया कि बीवी भी कभी सुख से खा ले। जब तक चिकन फ्राई होते हैं हम प्याजों को सेट कर लेते हैं। मैंने ये टिश्यू पे इसलिए रखा है कि इनका ऑयल खुश्क हो जाए और ये क्रंची हो जाए, इस तरह करके होना चाहिए जी। तो आप इसको क्या करना है, ऐसे अच्छी तरह बारीक कर लेना है। आप चाहें तो इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा ये बहुत बारीक हो जाएंगे और इनका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत आसान किस्म का कोरमा है, और इतना मज़े का बनेगा कि अगर आपके घर कोई मेहमान आते हैं, आप बनाएं और उनके सामने रखें, तो वो बहुत शौक से खाएंगे।
जब मेरी अम्मी बनाती थी तो हम लोग तो बस इंतजार में होते थे कि कब ये रेडी हो और कब हम खाएं। जो ये आधी प्याली दही ली थी, आपके पास अगर दही नहीं है तो आप क्रीम यूज कर लें, तो मैं ये इसमें डाल देती हूँ। मिक्स करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने चिकन डाला था, चिकन अपने पानी में अच्छी तरह फ्राई हुआ है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल देती हूँ, ये सुर्ख मिर्च और हल्दी, एक चम्मच नमक, ये जो मसाला पीसा था एक बड़ा चम्मच, लाएंगे इसको। अब फिर इसको तब तक पकाना है जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता और टमाटर अच्छी तरह मैश हो जाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क होगा। थोड़ा सा हांडी में हिलाना मुश्किल होता है लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो और ये एक दफ़ा हीट हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर इसको ठंडा, ये ठंडी नहीं होती और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो अब मैं इसको तब तक पकाऊँगी जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता। टमाटर मैश हो गए, अब इसके अंदर मैं दही और प्याज डाल देती हूँ। हाँ जी, ब्राउन प्याज और दही, दही अच्छी तरह अच्छी गाढ़ी होनी चाहिए, पतली दही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गाढ़ी दही होगी तो इस सालन में जल्दी खुश्क हो जाएगी और ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ेगी। तो 3-4 मिनट लगे हैं मुझे दही वाले मसाले को फ्राई करते हुए, तो ये ग्रेवी तैयार हो गई है और फ्लेम मैंने बंद कर दी है। इसके ऊपर बादाम डाल देती हूँ और ढक्कन लगा देंगे। हांडी की वजह से मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी है क्योंकि हांडी में हीट बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन आपने अगर किसी और बर्तन में बनाई है तो आपने इसको लो फ्लेम पे 1 मिनट रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कोरमा तैयार हो गया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देख। अच्छा, इसका वाकई मज़ा, देखो हांडी उतरी हुई है, हांडी उतरी हुई है काफ़ी, 1 मिनट से ये बंद है इसकी फ्लेम, लेकिन वो अंदर ऐसे कुक हो रहा है जैसे वो चूल्हे पे पड़ा होता है। तो वाकई ज़बरदस्त बर्तन होते हैं। तो इसके अंदर मैंने बादाम डाले हैं, बादाम तो आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्जी डाल लें, बहुत ज़बरदस्त नहीं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगता है। असल में मैंने बादाम ज़्यादा भिगोए थे तो बच्चे खा गए, तो मैंने बच्चों को रोकना मुनासिब नहीं समझा, तो आप लोग ज़्यादा यूज़ कर लें। तो नेचुरल है, हम लोग नेचुरल चीज़ें बना के दिखाते हैं, ये नहीं कि कोई आर्टिफिशियल रखते हैं। आप लोगों ने दही के पानी को अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि दही का कच्चा टेस्ट ना आए, क्योंकि अक्सर दिखाया जाता है कि दही डाल के फ़ौरन ही 2 चम्मच हिला के इसको उतार देते हैं कि आप लोगों के सामने ग्रेवी बहुत ज़्यादा रहे, तो वो टेस्ट सही नहीं आता। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। जी तो मैं सर्व करने लगी हूँ शाही कोरमा, इसको मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गरम है अभी भी गरम है, ये हांडी नहीं है बाहर से गरम, ये देखो। हाँ, बहुत मजे का बना है, आप भी टेस्ट करके देखो। गरम है।